हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रजेन। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर लेके आया हूं। बाल मनोविज्ञान का ये लेक्चर है और इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अधिगम के प्रकार के बारे में और अधिगम के सिद्धांतों के बारे में। अधिगम के प्रकार का एक वीडियो मैंने इससे पहले दिया है, उसमें मैंने अधिगम की प्रमुख परिभाषाएं और अधिगम की आवश्यकताएं, अधिगम के प्रकारों का एक उल्लेख किया था, वो भी काफी इम्पोर्टेंट था। तो उसी की सीरीज का ये दूसरा वीडियो है और इसमें कुछ और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए 2-3 नंबर जरूर आपको देगा। तो आइए देखते हैं क्या है आज के हमारे वीडियो में खास। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं मैंने सीखने के प्रकार या अधिगम के प्रकार, इसको सीखना अधिगम सेम है दोस्तों। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अधिगम को ही हम कहते हैं सीखना और इसे हम कहते हैं लर्निंग। दोस्तों क्या कहते हैं लर्निंग, हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी। तो ये हमारा विषय है चाइल्ड साइकोलॉजी और हमारा टॉपिक है अधिगम के प्रकार, अधिगम के सिद्धांत और इनकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं। तो आपको बिल्कुल एकदम फुली कंसंट्रेटेड होके अगर वीडियो पूरा देख लेते हैं तो दोबारा आपको किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अब ध्यान से देखते रहिए और सुनते रहिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने बताया था अधिगम के प्रकार, वहां पे मैंने एक मनोवैज्ञानिक उसुबेल और उसुबेल ने जो है अधिगम के चार प्रकारों का उल्लेख किया। उन चारों प्रकारों को मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। पहला मैंने बताया था आपका रिसेप्शन लर्निंग, फिर वहां पे डिस्कवरी लर्निंग था, रूट लर्निंग था और ऐसे करके मीनिंगफुल लर्निंग। तो चार लर्निंग मैंने वहां बताया था, आपको याद नहीं तो आप फिर से वीडियो में जाके देख सकते हैं इससे पहले का। उसी के आगे मैं आपको बताने वाला हूं एक मनोवैज्ञानिक है गेने, और मनोवैज्ञानिक गेने के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार होते हैं। इन्होंने 8 प्रकार बताए हैं। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक गेने के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार होते हैं? क्या बताएंगे? 8 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से 8 प्रकार हैं ये तो लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक गेने के अधिगम के प्रकार का हिस्सा नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोवैज्ञानिक गेने के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है। तो इनमें से 3 दिया रहेगा, चौथा कोई और दिया रहेगा, तो इस तरह का आएगा तो इनका नाम याद रखना जरूरी है। तो बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान से है, अगर इनको आप ध्यान से देखेंगे तो ये याद रहेंगे। तो मनोवैज्ञानिक गेने ने कहा कि अधिगम 8 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले उन्होंने कहा संकेत लर्निंग, संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग। हम संकेतों के माध्यम से सीखते हैं, विभिन्न प्रकार के सिग्नल हमें मिलते हैं और वो सिग्नल हमें सिखाते हैं, ये कह रहे हैं। नंबर 2 पे है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। उद्दीपक यानी जो हमें कार्य को करने के लिए उत्साहित करते हैं, उत्तेजित करते हैं। विभिन्न प्रकार के उद्दीपक होते हैं, चाहे वो प्रशंसा पुरस्कार हो, दंड हो या सामाजिक प्रतिष्ठा हो। तो इस तरह के उद्दीपक मार पड़ती है, हम उद्दीपित होते हैं, या हमारे सामने कोई एक बेहतरीन व्यक्तित्व आ जाता है, उससे हम उत्तेजित हो जाते हैं, उद्दीपित हो जाते हैं। तो उद्दीपक अनुक्रिया भी हमारा अधिगम का एक प्रकार होता है। श्रृंखला लर्निंग, चेन लर्निंग, कॉमन सी बात है भाई, हम सीखते कैसे? चेन वाइज सिस्टम, जैसे हमारे लेक्चर का चेन सीरीज चले एक के बाद एक। तो हमारी लर्निंग कैसी होती है? चेन के सिस्टम में होती है, एक एक स्टेप को हम सीखते जाते हैं और वो चेन, वो कड़ी हमें आगे बढ़ाती जाती है, वो है चेन लर्निंग, श्रृंखला अधिगम। फिर है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, शब्दों के सहारे हम जो सीखते हैं, भाषा के सहारे, भाषा के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से जो लर्निंग होती है उसे ही कहा गया शाब्दिक साहचर्य
अधिगम। फिर है विभेदात्मक अधिगम, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, विभेद करते हुए, अंतर करते हुए, कंपैरिजन करते हुए, तुलना करते हुए जो हम सीखते हैं, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, विभेद करते हुए, अंतर करते हुए, छोटा बड़ा, मोटा पतला तगड़ा, महत्वपूर्ण कम महत्वपूर्ण, सस्ता महंगा, यानी जो हम अंतर करते हुए एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं विभेदात्मक अधिगम। फिर यहाँ पे संप्रत्यय लर्निंग। संप्रत्यय शब्द हिंदी में थोड़ा सा टफ है, बट इंग्लिश में आप जानते हैं इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट तो बहुत ही कॉमन सा शब्द है, तो संप्रत्यय को ही कहते हैं कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट लर्निंग हम सभी जानते हैं कि भैया कोई चीज सीखते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी होता है, यानी किसी विषय वस्तु विशेष या किसी टॉपिक विशेष की समस्त बातों की जानकारी लेना, समस्त चीजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझना, उसको जानना ही है कॉन्सेप्ट लर्निंग। फिर है नियम अधिगम, रूल या प्रिंसिपल लर्निंग। तो नियमों को रट करके, नियमों को समझ करके, नियमों का पालन करते हुए जो हम सीखते हैं, नियमों को फॉलो करते हुए जो हम सीखते हैं, प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, सिद्धांतों का पालन करते हुए जो हम सीखते हैं उसे हम कहते हैं नियम या नियम अधिगम, जिसे इंग्लिश में रूल लर्निंग या प्रिंसिपल लर्निंग कहते हैं। नंबर 8 पे है समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। समस्या समाधान, हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं, चाहे वो प्रश्न के रूप में कोई समस्या आ जाए, गणित के सवाल के रूप में कोई समस्या आ जाए, तो उस समस्या का निराकरण करने का हम प्रयास करते हैं, और उस दौरान हमें बहुत तरह की जानकारी होती है, बहुत तरह की नॉलेज हमें मिलती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या का समाधान करते हुए जो हम सीखते हैं उसे ही हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, यानी समस्या समाधान अधिगम। 8 हो गए, एक बार फिर से देख लेते हैं। संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, विभेदात्मक अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, और लास्ट में समस्या समाधान अधिगम। तो मनोवैज्ञानिक गेने ने कहा कि अधिगम के 8 प्रकार होते हैं जिन्हें हमें याद रखना होगा। इनसे प्रश्न आ सकते हैं कि कौन सा अधिगम मनोवैज्ञानिक गेने के अनुसार नहीं है, या मनोवैज्ञानिक गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं। तो वो तो सिंपल सा है, 8। 2 प्रकार के अधिगम की और चर्चा होती है हमारे सिलेबस में, उसे हम औपचारिक अधिगम और अनौपचारिक अधिगम कहते हैं। तो औपचारिक अधिगम, अगर आपसे पूछता है कि औपचारिक अधिगम की व्याख्या कीजिए, औपचारिक अधिगम के बारे में 2 शब्द लिखिए, औपचारिक अधिगम के बारे में उल्लेख कीजिए, तो औपचारिक को इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल, फॉर्मल लर्निंग, और दूसरा अनौपचारिक, इनफॉर्मल लर्निंग। तो क्या है, तो भाई आप जानते हैं कि जो फॉर्मल चीजें होती है वो नियम कानून कायदे में सेट होती है, कहते हैं कि फॉर्मल ड्रेस पहन के आइए, फॉर्मल बिहेवियर करिए, फॉर्मल रहिए, और इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक, जहां पे हमें किसी नियम कानून के दायरे में बंध के नहीं रहना होता है। तो जो औपचारिक अधिगम होता है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, यानी कि संस्थानों के द्वारा जो हम सीखते हैं, संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, तो इनके द्वारा जो लर्निंग हमें दी जा रही है, जो हमें अधिगम दिया जाता है किताबों के माध्यम से, पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से, अध्यापक शिक्षकों के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, तो इसे हम कहते हैं क्या, इसे कहते हैं औपचारिक अधिगम, औपचारिक अधिगम, फॉर्मल लर्निंग। यहाँ पे दोस्तों अनौपचारिक इसका जस्ट उल्टा होगा, जो स्कूलों, कॉलेजों, कॉपी किताब से हटके हमारे समाज में, हमारे एनवायरमेंट में, वातावरण में आते जाते, ट्रेवलिंग करते समय कहीं भी हमें लर्निंग मिल जाती है, उससे क्या मतलब, रैंडमली कहीं से भी कोई चीज हमें सीखने को मिल जाती है, हमें किसी सेट पैटर्न पे नहीं जाना है, किसी निश्चित स्कूल या दूरी को तय नहीं करना है, ऐसे हमारे दिनचर्या में, डेली लाइफ में जो चीजें हम सीखते हैं किसी भी चीज के माध्यम से, चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से,
यानी जो हमें शैक्षिक नियमों के दायरे में ना बांधे, फ्रीली रैंडमली हमें सिखाए, उसे ही हम कहते हैं अनौपचारिक अधिगम, इनफॉर्मल लर्निंग। तो ये थे अधिगम के प्रकार। अब हम बात करेंगे अधिगम के सिद्धांतों। दोस्तों अधिगम के सिद्धांत भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, और अधिगम के सिद्धांतों से जो प्रश्न 110% आना होता है और आएगा भी। तो अधिगम के सिद्धांत एक बड़ा टॉपिक है, इसमें मैं आपको तीन आधार पे अधिगम के सिद्धांतों का डिवाइडेशन बताऊंगा। तीन वाद के तहत अधिगम के सिद्धांतों का अध्ययन करना होता है। तो सबसे पहला साहचर्य या संबंधवाद है। साहचर्य या संबंधवाद, इसके अंतर्गत अधिगम के कुछ सिद्धांत हमें पढ़ने होंगे। नंबर दो पे है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद में भी हमें कुछ अधिगम के नियमों सिद्धांतों का जो है अध्ययन करना है। और लास्ट में है गैस्टाल्टवाद, और गैस्टाल्टवाद में भी हमें कुछ नियमों और सिद्धांतों का जो है अध्ययन करना है। मैं यहाँ पे ऐसे रफली बताऊं तो यहाँ पे साहचर्य संबंधवाद में हम थार्नडाइक के नियमों, थार्नडाइक के सिद्धांतों को पढ़ेंगे, और यहाँ व्यवहारवाद में हम स्किनर और पावलोव के सिद्धांतों को पढ़ेंगे, और गैस्टाल्टवाद में हम कोहलर के सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है वो पढ़ेंगे, और यहाँ पे स्किनर का क्रिया प्रस्तुत उन्मन्न सिद्धांत, पावलोव का जो आपका सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, और यहाँ पे आपको बताया मैंने कोहलबर्ग का सूक्ष्म, कोहलर का गैस्टाल्टवाद के अंदर कोहलर, वर्धमान और कोफ का, इन तीनों लोगों का उल्लेख होता है। तो इनके बारे में डिटेल से बहुत ही क्लियर तरीके से हम इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में करेंगे। और बहुत ही विस्तार पूर्वक, अगर आज तक आपको कंफ्यूजन रही है थार्नडाइक के नियमों सिद्धांतों में या स्किनर या पावलोव या इनके, तो एकदम दूध और पानी अलग हो जाएगा। मतलब बहुत ही क्लियर तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, दोबारा कभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन वो अगले वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इसकी नोट्स बना लीजिएगा, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये हमारा लेक्चर सीरीज कंटिन्यू रहेगा, और इसी तरीके से मनोविज्ञान के हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और वीडियो को सभी दोस्तों से शेयर भी करें, ताकि सब इसका लाभ ले सके। दिल से धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आपको गुड लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।